डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर त्रिपाठी और हम सॉल्व करने वाले हैं डिफरेंशिएशन क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी बुक से मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 16। इफ कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई, देन वी आर सपोज टू प्रूव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस मच। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ देखें, बड़ा मजेदार है। अब अगर आप इसको, क्योंकि छोटे बच्चे हैबिचुअल होते हैं, वो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना चाहते हैं बिना किसी मैनिपुलेशन के। अगर आप मैनिपुलेशन थोड़ा सा कर देंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, और अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y, y का डिफरेंशिएशन dy वाई बाई डी एक्स। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, x का 1 cos a प्लस y कॉन्स्टेंट, x कॉन्स्टेंट cos a प्लस y का माइनस sin a प्लस y, a प्लस y का 0 प्लस dy बाई डी एक्स। तो सिंपली वी कैन राइट dy बाई डी एक्स। अब टू फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इसे ट्रांसफर करिए इस साइड, तो आपके पास हो जाएगा माइनस sin y dy बाई डी एक्स प्लस, क्योंकि दिस प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस और वो माइनस इधर आके प्लस, एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। अब इससे कॉमन ले सकते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन वाई प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई अपॉन माइनस साइन वाई प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई। ये डी वाई बाई डी एक्स है, और हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट है, कि जो हमें प्रूव करना है उसमें राइट साइड में दैट डज नॉट कंटेन x, और इसमें हमारे पास x है। इस x की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन से रख देते हैं तो x एलिमिनेट हो जाएगा और सब कुछ y में हो जाएगा। तो देखिए dy बाई डी एक्स क्या होने वाला है, देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई होल अपॉन माइनस साइन वाई प्लस एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू होगा कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई। अब आप एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम लेने में होगा कॉस ए प्लस वाई अपॉन माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई प्लस साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई। आगे पीछे लिखा साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, इसको इधर इसको इधर, होल अपॉन कॉस ए प्लस वाई। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो वन लिख सकते हैं। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल मत कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई होल अपॉन, इसे पहले लिख ले, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। आप देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये आपका बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी मीन्स ए प्लस वाई माइनस वाई साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी।